ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है, एनसीईआरटी में आ सकता है ये। इसके अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन गिवन है कैपेसिटर का, जिसमें ये प्लेट्स हैं, एक दो तीन चार कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, तो जैसे ये प्लेट पी है, पी की प्लेट इधर और इधर आ रही है, तो अगर पी ये मेटल की प्लेट्स हैं, इक्विपोटेंशियल है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल वी वन है तो पूरी प्लेट का ऊपर नीचे वी वन वी वन है, और अगर यहाँ का क्यू का वी टू है तो पूरी प्लेट पे वी टू है, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी है। अब इमेजिन करो कि आपने पी से वी वन पोटेंशियल दिया, और मान लो पी को पॉजिटिव प्लेट दी मान लिया, तो पी की जहाँ जहाँ पी जाएगी प्लेट वहाँ प्लस 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 होता जाएगा, और इसको आपने मान लो नेगेटिव पोटेंशियल लिया, तो जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो आप चेक करें, ये एक कैपेसिटर बन रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का वी वन माइनस वी टू, ये एक कैपेसिटर बन रहा है पॉजिटिव माइनस का वी वन माइनस वी टू, ये कैपेसिटर नहीं बन रहा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैपेसिटर नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कैपेसिटर है। तो इसमें दो कैपेसिटर्स हैं और पैरेलल में कनेक्शन है, क्योंकि वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C, वेयर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। तो याद रखना, इस डायग्राम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। ठीक है, यहां तक मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन के अंदर ये पी प्लेट और क्यू प्लेट, तो पी प्लेट जहां जहां जा रही है वी वन वी वन, क्यू प्लेट जहां जहां जा रही है वी टू वी टू। अब इधर ध्यान से देखो, पी को जब मैंने पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव 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 दोनों तरफ पॉजिटिव है, और क्यू को नेगेटिव दिया नेगेटिव नेगेटिव। अब एक चीज देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तीन कैपेसिटर बन रहे हैं इसमें, दो नहीं बन रहे। पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन का एक कैपेसिटर है, तो ये एक, ये दो और ये तीन। और ये भी चेक करो, अगर ये वी वन है तो ये पूरे का पूरा वी वन है, अगर ये वी टू है ये पूरे का पूरा वी टू है। तो पहले कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू। तो ये तीनों की तीनों फिर से किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो ऐड करोगे तो 3 × εo a/d। तो मजे की बात ये है, चाहे ये पेपर में ये आ जाए या पेपर में ये आ जाए, दोनों के दोनों पैरेलल कनेक्शन ही है, बस एक में दो कैपेसिटर एक में तीन कैपेसिटर्स हैं। एक क्वेश्चन है जो लैडर वाली प्रॉब्लम है, ये लैडर वाली प्रॉब्लम है। इस लैडर वाली प्रॉब्लम में क्या होता है कि ये एक प्लेट है 3A, 3A एरिया की मेटल की प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये भी मेटल की प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसके अंदर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। इनके बीच में डिस्टेंस डी है, एरिया ए ए ए कर दिया 3A का, डी है। ये डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में क्या हो जाएगा, डी प्लस बी है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी प्लस 2B है। राइट, क्लियर है यहां तक? ठीक, तो आप इसे ऐसे इमेजिन करें कि ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है और ये तीसरी प्लेट है। तो इनके बीच में सेपरेशन डी है, इनके बीच में सेपरेशन बी प्लस डी है, और इनके बीच में सेपरेशन डी प्लस बी प्लस बी है, डी प्लस बी प्लस बी है। ठीक है, एरिया तीनों का एग्जैक्टली सेम है। तो आप एक चीज बताओ, अगर मैं इनको ये कनेक्ट करूंगा ऐसे, तो ये किस में कनेक्टेड माने जाएंगे, इन पैरेलल। देखो ना, वी वन माइनस वी टू, वी वी देखो ना, इस पे वी वन वी वन वी वन सेम मेटल है, वी टू वी टू वी टू सेम मेटल है, इक्विपोटेंशियल है। तो वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इसमें सी वन की कैपेसिटी आएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, सी टू की कैपेसिटी आएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई बी प्लस डी, और सी थ्री की कैपेसिटी आएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस टू बी। फिर टोटल कैपेसिटी क्या आएगी, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो लैडर वाली प्रॉब्लम भी पैरल में ही होती है। राइट,